एक साल से डिप्रेशन में है छोटी सरदारनी, बिग बॉस में बिगड़ने लगी मेंटल कंडीशन, जाने क्यों फूट फूट कर रोई। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बिग बॉस का खेल जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। महीने तक एक घर में अनजान लोगों के साथ बंद रहने से अच्छे अच्छों को स्ट्रेस होने लगता है। टीवी की छोटी सरदारनी निर्मित भी अब बिग बॉस के प्रेशर को झेल नहीं पा रही है। बीते एपिसोड में निर्मित का ब्रेकडाउन देखने को मिला। निर्मित कौर बीते 2-3 दिनों से शो में काफी शांत और उदास दिख रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं की। निर्मित को परेशान देखकर बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया और उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी। निर्मित ने बिग बॉस को बताया कि वो कुछ दिनों से अकेला और उदास महसूस कर रही हैं। बिग बॉस ने निर्मित से कहा कि वो डिटेल में बताएं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। इसके बाद निर्मित ने कहा, 3-4 दिन से मैं ठीक फील नहीं कर रही हूं। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने अब तक मेरे नेचर को समझा है या नहीं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं जो चीजों को अपने दिल में रखकर रह सके। मैं सो नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं। मैं ये महसूस कर पा रही हूं कि मेरा दिमाग थोड़ा थका हुआ फील कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं। निर्मित बिग बॉस से पूछती हैं कि क्या ये बातचीत सिर्फ उन दोनों के बीच है। बिग बॉस इस पर हामी भरते हैं, जिसे सुनकर निर्मित कन्फेशन रूम में ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। निर्मित का ब्रेकडाउन होता देखकर बिग बॉस उनसे कहते हैं कि वो घर में किसी ऐसे शख्स को तलाशें जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। बिग बॉस पूछते हैं कि क्या घर में कोई ऐसा है जिस पर वो भरोसा करती हैं और उनसे अपने दिल की बात कह सकती हैं। इस पर निर्मित कहती हैं कि वह अबूद और साजिद से बात कर सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा कंफर्टेबल अबूद के साथ हैं। निर्मित जब बाहर आती हैं तो उन्हें रोता हुआ देखकर शिव ठाकरे और MC स्टैन अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ। निर्मित उन दोनों को अपने डिप्रेशन के बारे में बताती हैं। वे कहती हैं, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें भर चुकी हैं। उन्होंने मुझसे किसी के साथ अपनी बात शेयर करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मुझे एक साल तक डिप्रेशन और एंग्जायटी थी। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। मैं एक साल से मेडिकेशन पर हूँ, लेकिन यहाँ आने से 4-5 महीने पहले मैंने खुद से अपनी दवाइयाँ लेना छोड़ दिया था। मेरे लिए इसलिए अब मुश्किल हो रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मेरा माइंड सफर कर रहा है। मैं जब सोती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। अब निर्मित ऐसी कंडीशन में अपने गेम पर कैसे फोकस करती हैं, ये देखने के लिए ऑडियंस बेताब है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।